बिहार के मुख्यमंत्री की तरह पलटी नहीं मारते, पलटासन तो सिर्फ उनके पास है। घोषणा किया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, फिर भी वो भाग गए, तो राजनीतिक रूप से उन्हें हम लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम करना है। ये बयान है सम्राट चौधरी का, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट को जब उन्होंने पूरा किया 2020 में, क्योंकि घोषणा किया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसके बाद भी वो भाग गए। तो अब जब वो भाग ही गए तो राजनीतिक तौर पर हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए, यही मैं कहूंगा। वहीं इस बयान के बाद नीतीश कुमार का भी बयान आता है, और वो बयान यह आता है कि कह दीजिए ना कि मिट्टी में मिला दे, कब मिलाना है, कैसे मिलाना है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने का मतलब है कि बुद्धि नहीं है। ये बयान नीतीश कुमार का था, काफी सरल और सहज तरीके का बयान था। बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपको राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला दे, तो आपके राजनीतिक जीवन को ऐसी बात को आप कैसे देखते हैं? अब वाह, तो कहिए नकरा दो। इसकी वजह तरीके की बयान चुप करके रख रहे हैं। सब जो कोई बोलता है, जिसके बोलने का बताइए, हम कभी बोलते हैं इस तरह का बात? तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। तो जो मन में करे बोले, और कहिए कि जहाँ करना है कर दो, जो इच्छा है करो। बड़ा नेता बन जाए। आजकल जो है ये लोग कितना, वो सबको कोई बुद्धि नहीं है। आप अच्छी तरह जान लीजिए, अश्रद्धे आप खुद ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का कितना बड़ा हम लोग रहे, कितना हम सब प्रशंसा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। बिहार की सियासत में बड़ी हलचल है। पूरा माजरा जब आप समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जनता के लिए तो कुछ है नहीं। सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, सभी एक दूसरे पर कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इसी बीच में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाने की बात कर दी है। वही नीतीश कुमार जिनके साथ उनका भी गठबंधन था, यानी उनके पार्टी का गठबंधन था, साथ मिलकर के काम करते थे, और अगेंस्ट में यानी विपक्ष में तेजस्वी यादव हुआ करते थे, RJD हुआ करती थी। लेकिन अब समय कुछ और है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ है, भाजपा विपक्ष में है। तो योगी का एक भाषण आपने सुना होगा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिलाने वाला भाषण काफी वायरल हुआ था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या हुआ ये आप लोगों ने देखा, हमने भी देखा, और अभी तक गहमा गहमी वाला न्यूज उत्तर प्रदेश का चल ही रहा है। फेसबुक पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, टीवी पर देखिए, लगातार वही न्यूज जो है आपको मिलेगा। शाइस्ता कहाँ छुपी हुई है, गुड्डू मुस्लिम का किसके साथ कहाँ संबंध है, शाइस्ता के बारे में कौन जानकारी दे रहा है, कितने ड्रोन लगाए गए हैं, कब पुलिस कहाँ पहुँची तो शाइस्ता मिल गई, शाइस्ता बांग्लादेश में है तो शाइस्ता बंगाल भागने के फिराक में है, शाइस्ता नेपाल चली गई, तमाम तरह के न्यूज हैं। देखने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में शाइस्ता मिल गई है, लेकिन सरकार अलग ही परेशान है, STF की टीम अलग ही परेशान है, वो अलग कहानी है। लेकिन जो योगी जी ने भाषण दिया था विधानसभा में कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, उसी बयान से कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी प्रभावित हैं। अब उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल बिहार में तो चलेगा नहीं, नहीं चलने का कारण भी है क्योंकि सत्ता के शीर्ष का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, और नीतीश कुमार के बारे में आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्हें सियासत का जो समीकरण है, सियासत का जो फार्मूला है, उसे चलाने का नॉलेज बहुत ही बढ़िया है, और वो बड़ा ही सरल और सहज तरीके से सरकार को चलाते हैं। आज तक कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि किसी भी करप्शन के मामले में नीतीश कुमार को किसी कटघरे में खड़ा किया गया हो, CBI के द्वारा समन भेजा गया हो। हालांकि उनके सहयोगी दल के हाँ तो लगातार छापा पड़ते रहता है, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के खास मेरिट जो है वो बना हुआ है, और वो मेरिट ये है कि आज तक कभी भी करप्शन को लेकर के, किसी भी तरह का घोटालेबाजी को लेकर के नीतीश कुमार को किसी भी कटघरे में आपने खड़े हुए नहीं देखा होगा। ये एक प्लस पॉइंट नीतीश कुमार के साथ आज भी है, और इससे साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार एक ईमानदार व्यक्तित्व वाले, ईमानदार छवि वाले नेता है। आरोप दर आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन इसमें सम्राट चौधरी ने जिस तरह से बयान दिया है कि राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देंगे, तो राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला
बढ़ाने के लिए सम्राट चौधरी कितने तैयार हैं और नीतीश कुमार उधर कितने तैयार हैं भाजपा को पटकनी देने के लिए, ये भी समझने वाली बात है। अब चुनाव का समय बड़ा नज़दीक है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और चुनाव के इस नज़दीकी समय को देखते हुए ये साफ तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि तमाम बिहार में जो राजनीतिक दल हैं छोटे बड़े वो सभी तैयारी में जुट गए हैं। अब इस पर भी थोड़ा ब्रीफली चर्चा कर लेते हैं। पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिलकर के आए हैं और अमित शाह से मिलकर आने के बाद उन्होंने कह दिया है कि जदयू में कुछ नीतीश कुमार का है ही नहीं, नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, नीतीश कुमार की पार्टी यानी जदयू में भयंकर भगदड़ मचने वाली है। शाहनवाज हुसैन खूब खुशी से एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि जदयू के अंदर क्या होने वाला है ये तो उपेंद्र कुशवाहा ही बताएंगे। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा बताएंगे कि जदयू पार्टी के एक अच्छे सम्मानजनक पोस्ट पर उपेंद्र कुशवाहा विराजमान रह चुके हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिलकर के आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब होते हुए वो कहते भी हैं कि बात तो हुई है, अब क्या बात हुई है स्पष्ट जानकारी उन्होंने नहीं दी है। उधर मुकेश सहनी की पार्टी है, उनको अभी देखिए कि भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कैसे जो है बढ़िया सुरक्षा उनको दिया गया है, सुरक्षा घेरे में चल रहे हैं। चिराग पासवान को भी बढ़िया सुरक्षा दिया गया है। तो सारे लोग कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भाजपा की जो सरकार है साथ अभी नहीं आए हैं लेकिन उनके ही इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक तरफ तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और कांग्रेस, इसके साथ तमाम जो और छोटे छोटे दल है सीपीआईएम सीपीआईएमएल, ये सात पार्टियों का ये दल अभी भी एक साथ बना हुआ है। तो सातों पार्टी का दल मिल करके भाजपा और भाजपा के साथ जो लोग आने जा रहे हैं जुड़ने जा रहे हैं उनको शिकस्त देने में कितने कामयाब होते हैं या फिर भाजपा के साथ जो दल जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं वो लोग मिल करके नीतीश कुमार के साथ जो सहयोगी दल है यानी सात पार्टियों वाली महागठबंधन की सरकार है उसको शिकस्त देने में कितना कामयाब होते हैं ये तो आने वाला लोकसभा का चुनाव बताएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं और खास करके भाजपा के जो सीनियर लीडर लोग हैं उनके बीच में अलग गहमागहमी बनी हुई है क्योंकि उम्र 70 के पार हो गई है और सवाल ये है कि 70 पार वाले को इस बार टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उधर आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी जिस तरह से नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और नीतीश कुमार जिस तरह से सरलता से उस हमले का जवाब दे रहे हैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए, ये एक आम नेता ऐसा नहीं कर सकता है। वहीं सम्राट चौधरी के बारे में कोई तीखा बयान कोई किसी नेता ने दिया रहता तो सम्राट चौधरी और भी उससे ज़्यादा तीखा बयान उन नेताओं के बारे में उस नेता के बारे में देते हुए नजर आते। नीतीश कुमार अपने सरल स्वभाव सहजता और एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं लेकिन चुनावी गहमी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहता है। आने वाला समय 2024 लोकसभा चुनाव के पहले आप देखेंगे कि बयानों का जो तीर चलेगा कब किसको कहां लगेगा कितना घायल करेगा इसके बारे में हम तो आपको अपडेट देते ही रहेंगे। लेकिन अभी योगी मॉडल से प्रभावित होकर के जिस तरह से सम्राट चौधरी ने मिट्टी में मिलाने वाला बयान राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाने वाला बयान नीतीश कुमार को दिया है इससे साफ लगता है कि आने वाले समय में और भी राजनीतिक तेवर में बदलाव आएगा और राजनीतिक हमला एक दूसरे के बीच होते रहेगा। हालांकि देखना है कौन कितना जो है विनम्रता सहजता और सरलता के साथ इस युद्ध को जीतता है और जीत करके जो है अपना झंडा बुलंद करता है अपना झंडा गाड़ता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।